आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग फॉर द हाइड्रोजन एटम। मतलब इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है और एक से ज्यादा भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बोला गया रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसमें बोला गया कि जो एफ फ्रीक्वेंसी होती है रेडियस आर की, वो प्रोपोर्शनल होती है क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो हमें दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड में लिखा है द लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मतलब एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट बोली गई है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट में लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या लगा था रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है। नेक्स्ट में लिखा है द मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।